डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज थी उसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है कि उसके अंदर क्या बताया था, सम कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, एक दे, दो दे रखी हो, तीन दे रखी हो, जितनी भी मैट्रिक्स आपको दे रखी हो उनका सम कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, जोड़ घटा और गुणा ये तीनों कैसे करनी है, ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। तो आज हम मल्टीप्लाई के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर इक्वेशन करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा हो कि ए मैट्रिक्स आपके पास है, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स दे दी 2, 3, 1 - 1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। आप बोलते कि हमें फाइंड करो या फिर शो दैट या फाइंड या वेरीफाई, कुछ भी बोल सकता है आपको, ठीक है। तो फाइंड के अंदर मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर माइनस का 6a + 7 आइडेंटिटी। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या आएगी, ठीक है। तो a आपके पास है, अब a की और a की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, एक ही एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा आपका। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ कर देता हूं तो करेंगे तो क्या आएगी, पहले मैं लिख लेता हूं इनको, तो हम मल्टीप्लाई 2, 3, 1 और -1। अब देखो मल्टीप्लाई करने का मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो लेके चलनी है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेके चलना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा आपके पास 6। ये तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ कर दी थी, आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये 6 और ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 और ये माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा 7, 3, 1 और 4, ठीक है। ये तो आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, 6a। तो अगर मैं a की मल्टीप्लाई 6 के साथ कर देता हूं तो इसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 12, 18 - प्लस का 6 और माइनस का 6 और 7 आइडेंटिटी। 7 आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आइडेंटिटी पता है आपको क्या होती है, 1, 0, 0, 1। अगर मैट्रिक्स हमारे पास 2×2 की है तो आइडेंटिटी भी 2×2 की लेके चलनी है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स आपके पास 3×3 की होगी तो आइडेंटिटी भी 3×3 की लेके चल रहा है हमें। अब 7 आइडेंटिटी निकालनी है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई जो है 7 के साथ कर देता हूं, 7007, ठीक है। अब देखो आपके पास सारी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू भी है आपके पास, ठीक है, और 7a की वैल्यू भी है और 6a की वैल्यू भी है और 7 आइडेंटिटी की वैल्यू भी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम पुट कर देंगे जिस टाइप से इसमें लिख रखे हैं, पहले ए स्क्वायर माइनस का 6a + 7 आइडेंटिटी इज इक्वल टू, तो मैं पहले इसकी वैल्यू लिख लेता हूं 7, 3, 1 और 4, ठीक है। अब 6a की माइनस का साइन, जो बीच में साइन होंगे उसको हमें एज इज रखना है, तो ये है 12, 18 और 6 - 6 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 7 आइडेंटिटी तो 7007, ठीक है। तो पहले स्क्वायर की फिर 6a की और 7 की मल्टीप्लाई, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। अब हमें करना क्या है, या तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो तीनों को, ठीक है, या फिर पहले 2 को सोल्व कर लेंगे उसके बाद 3 को उसके अंदर एड कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस का 5 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस का 15 आ जाएगा, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस का 5, इसमें से इसको माइनस करना है तो ये माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास ये रखा है 7007, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे,
तो प्लस करने के बाद हमारे पास ये तो 2 आ जाएगा, ये माइनस का 15 रहेगा, ये भी माइनस का 5 ही रहेगा और ये हमारे पास 17 आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया। यानी कि इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देता है तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे मैं इसकी जगह पर 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ, कुछ भी आ सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर ए स्क्वेयर है, अगर यहाँ पे a की पावर 3 प्लस ए स्क्वेयर या माइनस का 2a प्लस का 7 आइडेंटिटी, ये भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल सकता है। यानी कि a की पावर 3 भी हमें फाइंड करना पड़ सकता है। तो कैसे फाइंड करेंगे a की पावर 3? देखो, अब आपके पास a स्क्वेयर की वैल्यू तो है, यहां से मैं अगर इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं तो क्वेश्चन चेंज करने पर जैसे हमारे पास मैं लिख लेता हूं कि फाइंड, अब की बार हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर, सॉरी ए की पावर 3, क्योंकि 3 पावर का क्वेश्चन लेके चलना है, तो ए की पावर 3 माइनस का 2 ए स्क्वायर प्लस का 3 ए और माइनस का 4 आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो, अब ए स्क्वायर तो आपके पास है, ए स्क्वायर तो आप लोगों ने निकाल रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए की पावर 3 निकालना है। तो ए स्क्वायर की अगर मैं एक ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ए की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया। तो ए की पावर 3 आप लोगों के पास भी आ जाएगा, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए स्क्वायर की, तो 7, 3, 1 और 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, ए के साथ। ही हमारे पास है 2, 3, 1 और -1। अब देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 आ जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब इसी की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये 21 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 2 प्लस का 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 3 माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 और ये आ जाएगा 18 और ये हो जाएगा 6 और ये -1। ठीक है, अब ये तो a की पावर 3 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब a स्क्वायर की 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो a स्क्वायर की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर क्या है, ये है, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 6 और 2 और 8। ठीक है, और क्या निकालना है, ये वैल्यू भी आपके पास है, ये वैल्यू भी है। अब 3a निकालना है तो 3a, a की वैल्यू, a जो मैट्रिक्स है उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 9, 3 और -3 आ जाएगा। 4 आइडेंटिटी की वैल्यू है आपके पास 4004 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें a की पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 4 आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले मैं a की पावर 3 की वैल्यू पुट कर देता हूं, या ये आपके पास 17, 18, 6 और -1। ठीक है, और 2a स्क्वायर की वैल्यू है, बीच में जो साइन होगा उसको एल चीज रखना हमें, ये वैल्यू है हमारे पास 14, 6, 2, 8। ठीक है, और फिर है आपके पास ये 3a, तो 6, 9, 3 -3 और -4 आइडेंटिटी 4004। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका आंसर फाइंड करना है। यानी कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर 17 में से मैं 14 को माइनस कर देता हूं तो 3 बचेगा, 3 में 6 को ऐड करेंगे तो 9 और 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 बचाएगा। ऐसे ही 18 माइनस का 6 तो 12 बचाएगा, अगर उसमें से फिर उसमें अगर 9 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 में से 0 को माइनस करेंगे तो 21 बचाएगा। 6 माइनस का 2 तो 4, 4 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 7, 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 बचाएगा। -1 माइनस का 8 तो -9 और फिर -9 और -3 तो -12 आ जाएगा, और फिर माइनस करना है 4 तो -12 और -4 तो -16
16 आ जाएगा, ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे पास इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। ये तो 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, ऐसे 3 × 3 की मैट्रिक्स दे सकता है, तो उसके अंदर भी हमें इस टाइप से ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी, मल्टीप्लाई के बेस के ऊपर ही है कि अगर हमें प्रोडक्ट आती है दो मैट्रिक्स की तो हम ए की पावर 3, 4, 5 कितने भी हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक टाइप थी, सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड टाइप क्या है कि अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा हो एक्स और वाई मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तो एक्स वाई मैट्रिक्स की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे स्टेटमेंट के अंदर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे रखी हो 2, 1, 3, 4, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 1 माइनस का 1 और ये 2, कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी हो, ठीक है, सॉरी कोई दो इक्वेशन है, जैसे इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपने प्लस टू के अंदर, सॉरी टेंथ के अंदर, तो आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते थे, दोनों को पहले तो ऐड कर देंगे क्योंकि x और x तो 2x हो जाएगा, y जो है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो अब ये भी इसी टाइप से सॉल्व करके दिखाने हैं हमें, बस अब की बार यहाँ पे क्या था, एलिमेंट थे तो एलिमेंट ऐड कर दिए, अब की बार क्या है मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 3, 1 माइनस 1 और 2। अब दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x और x तो हमारे पास 2x आ जाएगा, y जो है कैंसिल हो जाएगा। अब की बार क्या करना है, सम करना है, तो सम करेंगे तो ये हमारे पास माइनस सॉरी 5 आ जाएगा और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 को उस साइड लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू आप लोगों के पास 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो 5, 2, 2 और 6। अगर अंदर ले जाना चाहो तो आप अंदर भी ले जा सकते हो 2 को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, 1, 1 और 3, तो ये x मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप से अगर अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y की वैल्यू भी हम कैसे फाइंड करेंगे, अब की बात फिर दोनों इक्वेशनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 1, 3, 4, ठीक है, और ये सेकंड इक्वेशन है तो x x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये है 3, 1 माइनस 1 और 2, ठीक है। अब की बार इन दोनों को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को कैंसिल करना होगा हमें, तो x कैंसिल करने के लिए ये माइनस का साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y आ जाएगा इज इक्वल टू। अब की बार क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1, ये माइनस ये 0 हो जाएगा, अगर 3 में से इसको माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊं, या तो आप अंदर भी ले जा सकते हो या फिर जैसे यहाँ पे लिख रखा है बाहर भी आप उसको रख सकते हो, तो अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस का 1/2, 0, 2 और 1 जो है y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पता चल गया। तो इसी टाइप से मैं एक और क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये तो जो इक्वेशन थी आसान इक्वेशन थी, इनसे जो है ये तो आप लोग कर सकते हो। अगर थोड़ी सी इक्वेशन जो है इनके साथ है वेरिएबल्स के साथ अगर हमारे पास कोई कॉन्स्टेंट आ जाता है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ कि 2x + 3y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पे बोल रखे आपको कि 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू,
यहां पे आ जाती है 1 माइनस 1 0 और 2। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है। अब हमें करना क्या है, यहीं से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब दो इक्वेशन है, पिछला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही इसको करेंगे, लेकिन अब की बार क्या है, अगर मैं इनमें से किसी को कैंसिल करूं x को या y को, तो इनके जो कोफिशिएंट है वो सेम बनाने होंगे हमें। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, हम सेम बनाते थे। अगर मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे 4x है, यहाँ भी 4x हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स की भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, 2, 4 और 6, 8, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं इस चीज रख लेता हूँ, 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 और 2। ठीक है, अब इनको क्या करना है, हमें माइनस करना है क्योंकि इनके दोनों के साइन सेम है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 8y इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5 और ये 6 आ जाएगा और ये आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 को माइनस करेंगे, अगर मैं 8 को उस साइड लेके जाता हूँ तो 1 बाई 8, 1, 5, 6 और 6, ये जो है आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब की बार क्या करना होगा, y को कैंसिल करना होगा, और y को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, जो कोफिशिएंट यहाँ पे है इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की तो मैं मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देता हूँ और सेकंड इक्वेशन की मल्टीप्लाई मैं 3 के साथ कर देता हूँ। तो 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, 2 के साथ पूरी मैट्रिक्स की भी होगी तो ये 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x माइनस का 6y इज इक्वल टू 3 के साथ, तो 3 माइनस 3 0 और 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे क्योंकि y जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 16x इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा, यहाँ पे 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6, यहाँ पे ये हो जाएगा 14। ठीक है, अब 16 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो 1 बाई 16 इंटू 5 1 6 एंड 14, ये आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पता चल गया, अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको हमें कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।